नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंद्रन पटेल। और देखिए, कुछ पांच स्टॉक पे आपकी नज़र होनी चाहिए, जो पांच पेनी स्टॉक है। देखिए, कुछ एक ऐसे हम एक नज़रिया अपनाते हैं और उस नज़रिए के हिसाब से हम चलते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर कुछ पैसा है तो हम पेनी स्टॉक में डाल दें तो वहाँ पे कम पैसे में ज़्यादा पैसे बनते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसका पेनी स्टॉक में बहुत ज़्यादा, मतलब एक पसंद किया हुआ एक एक सेक्टर होता है, ठीक है ना। तो देखिए, उसमें फर्स्ट स्टॉक है जिसका नाम है विकास प्रोपेंट एंड ग्रेनाइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टॉक लगभग 50 पैसे के आसपास चल रहा है, और इस स्टॉक ने एक बहुत ही ज़बरदस्त एक यहाँ पे एक ये अपर सर्किट के और भारी वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक चल रहा है, जो कि आप इस स्टॉक में एक चांस ले सकते हैं, लेकिन नज़र आपकी ज़रूर होनी चाहिए। दूसरा एक स्टॉक है पेनी स्टॉक, जो कि जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये भी एक ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है। 1.17 रुपये चल रही है। इस स्टॉक में भी भारी तेज़ी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि इस स्टॉक में एक बहुत ही लंबा रेस लगा था, उसके बाद ये स्टॉक करेक्शन में था, लेकिन आज फिर इस स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, जो कि एक अपर सर्किट के साथ। देखिए, जो तीसरे नंबर पे स्टॉक है, उस स्टॉक का नाम है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, जो कि एक डूबी हुई कंपनी है, लेकिन फिर भी इस स्टॉक में एक नज़र आप अगर बना के चलेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वीकली चार्ट लगाता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक लगभग सेम इसी सिचुएशन पे आके, देखिए इसी सिचुएशन पे आके, और इस स्टॉक ने एक बहुत ही लंबी जंप लगाई थी, जो कि एक लगभग 7 रुपये के आसपास ये स्टॉक पहुँच गया था। और ये कब हुआ था? 2020 में, ठीक है ना। 2020 में इसने लो बनाया था लगभग, देखिए लो तो बहुत ज़्यादा है, लो इसने लगभग 76 पैसे का बनाया था, और वहाँ से ये स्टॉक लगभग 3-4 रुपये के आसपास ये गया था। देखिए, जो हमारे चौथे नंबर पे है स्टॉक, उसका नाम है पीएमसी फाइन कॉर्प। अब ये एक डाइवर्सिफाई फाइनेंस है, और इस स्टॉक का अगर आप देखेंगे तो जो बाउंड बिग हाई है वो लगभग 4.46 रुपये के आसपास है, बाउंड बिग लो 1.40 रुपये। तो इस स्टॉक में भी लगभग 7.5% की तेज़ी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अगर मैं यहाँ पे मंथली चार्ट लगाऊँ तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक लगभग आपको यहाँ पे 11 रुपये से प्लस देखने को मिलेगा, इतना तेज़ी था। फिर वहाँ से करेक्शन होता हुआ चला आया, तो आप यहाँ पे नज़र बना के रख सकते हैं, थोड़ा सा अगर करेक्शन हो तो आप इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं, या अभी भी स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग कर सकते हैं। देखिए, एक और स्टॉक है जिसका नाम है विजी फाइनेंस, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। आपको याद होगा कि ये स्टॉक लगभग 50 पैसे में मिल रहा था, और उसके बाद ये स्टॉक ने जो रॉकेट का सिलसिला इस स्टॉक में चला, और बहुत लोगों का पैसा कई गुना कर दिया। देखिए, मैं सबूत के साथ आपको बता सकता हूँ कि ये 50 पैसे से नीचे का स्टॉक था, और ये सीधे सीधे बनाया था 7 रुपये का हाई। कितने का? 7 रुपये का हाई। बहुत लोगों को बहुत पैसा कमा के दिया। तो इस स्टॉक पे भी आपकी नज़र रहनी चाहिए, अगर ये आपको मिलता है एक अच्छे भाव पे, लगभग 1 रुपये से नीचे अगर ये मिलता है तो आप इस पर ज़रूर बाइंग करें। बाकी सोच समझ के, ये पांच स्टॉक है जिसमें आप विकास प्रोपेंट में अभी के अभी बाइंग कर सकते हैं। ये जीजी इंजीनियरिंग, जो कि इसमें भी आप बाइंग कर सकते हैं। रिलायंस होम फाइनेंस, इसमें आप बाइंग कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के। पीएमसी फाइनेंस कॉर्प, आप इसमें भी स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हैं। विजी फाइनेंस, आप इसमें भी स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हैं। विकास प्रोपेंट में और जीजी इंजीनियरिंग में आप यहाँ पे एक फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं विकास प्रोपेंट बोलूँगा,
ऐसा मत समझिए कि मेरे पास है इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे बाइंग करो, ऐसा नहीं है। देखिए, कभी भी एक अच्छे लेवल की अगर तलाश होती है किसी स्टॉक में तो वो मेरे को ये लगता है, क्योंकि यहाँ से इसका जो हाई है वो लगभग 18 रुपये के आसपास है। तो आप ये समझिए कि अगर मेरे को 50 पैसे पे मिल रहा है स्टॉक तो मैं उसको बाइंग करूँगा या और किसी दूसरे स्टॉक को, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फ्रेंड।